तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस चैनल। सो आज है हमारा डे फोर्थ एंड वर्ड फोर्थ का नंबर है आज। लेकिन उससे पहले हमें पहले के तीन वर्ड्स याद रखने हैं। तो आई होप सो जो लोग मेरी वीडियो रोज देख रहे हैं उन्हें अभी तक तीन वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे। तो एक क्विक रिविजन करते हैं अपने जो हमारे जो तीन वर्ड्स थे उनका एक बार क्विक रिविजन करते हैं। आपको याद है या नहीं है एक बार जस्ट जल्दी जल्दी क्विकली से। अ बेस, बेसमेंट में जाकर किसी को डिग्रेड करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, दैट इज अ बेस। ये हमने फर्स्ट डे पढ़ा था। सेकंड वर्ड हमने पढ़ा था एब्स्ट्रूस। ओके, एब्स्ट्रूस में मैंने क्या कहा था? ट्रू। ट्रू को समझना क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसका मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना जो मुश्किल हो। थर्ड वर्ड हमने पढ़ा है अक्लाइमेटाइज। इसमें मैंने आपको बताया था क्लाइमेट कीवर्ड। ठीक है, एडजस्ट करना, एडजस्ट इन क्लाइमेट, वेदर या इन एनी कंडीशन। ठीक है, ये अभी तक हमने तीन वर्ड्स पढ़े हैं। तो अगर आपको ये वर्ड नहीं अभी तक पता है तो आप पिछली वीडियोस में जाकर पहले आप ये तीन वर्ड अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज हमारा नंबर है फोर्थ वर्ड का। तो आज हम चलते हैं फोर्थ वर्ड पर। तो हमारा चौथा वर्ड है आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो ये वर्ड है हमारा अफ्रंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अफ्रंट। ठीक है, बहुत सुना होगा आपने ये वर्ड। तो अफ्रंट में मैं आपको पहले इसका मीनिंग बताती हूँ। अफ्रंट का मतलब होता है इंसल्ट करना, जैसे अबेस का मतलब था। ठीक है, अबेस एंड अफ्रंट जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इंसल्ट, ऑफेंस, इनडिग्निटी, डिसरिस्पेक्ट भी हो जाएगा, आउटरेज भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हमारे अफ्रंट के हमारे मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी की बताती हूँ कि याद रखना है। ठीक है, अफ्रंट, फ्रंट आ रहा है ना इसमें। ठीक है, तो वही जैसे बेसमेंट में जाकर किसी की डिसरेस्पेक्ट करना, किसी के फ्रंट में किसी की इंसल्ट करना। ठीक है, मैं तेरे मुंह पर तेरी बेइज्जती करूंगी, तुम्हारे फ्रंट में तुम्हारी मैं इंसल्ट करूंगा, दैट इज अ फ्रंट। ओके, बहुत ही सिंपल सी की है। अ फ्रंट, फ्रंट में जाकर इंसल्ट करना, किसी को ऑफेंस करना। ठीक है, अ फ्रंट। तो ये आपका अ बेस का सिनेनिम है। ठीक है, हिंदी में इसका मैं आपको मतलब लिख देती हूँ। अपफ्रंट का, अपफ्रंट का मतलब होता है किसी को अपमानित करना, किसी का अपमान करना। इसका मतलब मैं आपको लिखूँ प्रत्यक्ष अपमान, मतलब बिल्कुल सामने अपमान करना किसी के। ठीक है, इसीलिए इसमें अपफ्रंट है, ध्यान रखना। अपफ्रंट, फ्रंट में ही इंसल्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक यूज या एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि हिज स्पीच वॉज एन अफ्रंट टू ऑल डिसेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, उसकी जो स्पीच थी वो पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स के लिए इंसल्ट थी। ठीक है, अफ्रंट। तो एक बार क्विक रिविजन, अफ्रंट का मतलब होता है अपमान करना, किसी के सामने उसकी बेइज्जती करना। अफ्रंट में जो की है वो है हमारा फ्रंट। सो फ्रंट का मतलब है फ्रंट में इंसल्ट करना, ये इसको याद करने का तरीका है। फ्रंट में ही इंसल्ट करना, सबके सामने इंसल्ट करना, अपमान करना उसका। एक सिंपल सा यूजेज बताया, हिज स्पीच वॉज एन अफ्रंट टू ऑल डिसेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो अफ्रंट से रिलेटेड। बस आपको इसका मीनिंग याद रखना है, किसी की इंसल्ट करना, किसी को ऑफेंस करना। याद रखना अबेस का ये सिनोनिम भी है जो मैंने आपको फर्स्ट वर्ड बताया था। तो इस तरीके से आप देखते जाओगे, धीरे धीरे करके आप बहुत सारे वर्ड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते रहोगे, उन सबके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको यहीं पर ही याद होते रहेंगे। ओके फाइन। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अभी तक के चार वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहला अबेस, दूसरा एब्स्ट्रूस, तीसरा अक्लाइमेटाइज एंड फोर्थ इज अफ्रंट। ओके, तो हम कल मिलते हैं फिफ्थ वर्ड के लिए। जब तक ये पूरा वर्ड आज आपको पूरे दिन याद रखना है अच्छे से, और कल हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज 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 वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम कल मिलते हैं डे फाइव वर्ड फाइव के लिए। बाय बाय।